दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेज सो वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनवेस्ट। उम्मीद है आप सभी ग्रेट इंटरेस्ट से जा रहे होंगे। अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफी मदद मिलने वाली है अपने ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने लिए सही स्टॉक चुनने में। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने चार्ट का रखा है, चार्ट में अगर मैं दिखाऊँ आपको निफ्टी आज क्या रहा, आज ये रहा न्यूट्रल बुलिश रहा। 2749 या 50 समथिंग अप्रॉक्स इसी लाइन में हुई थी और इसकी जो क्लोजिंग हुई है आज वो हुई है 15793। तो ये जो था बुलिश था, ये न्यूट्रल बुलिश मार्केट था। अब अगर हम पैटर्न के हिसाब से चले तो ये जो पैटर्न था, पहले इसने यू पैटर्न दिखाया था, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ये चीज शेयर भी की थी। टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे मैं जो लेवल्स मेरे मिड कैप के रहते हैं, यानी कि मिड कैप के जो स्टॉक्स मैं प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप पे प्रीमियम ग्रुप पे, तो वो लेवल्स भी आपको मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ एट दी लास्ट। आप वहाँ जाके इस स्टॉक को चेक कर सकते हैं। बाकी के लेवल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का एक फायदा और है, जो लेवल्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा उनको मैं एडिट करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ जब भी स्टॉक जो है कैप अप या फिर कैप डाउन ओपन होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप में, निफ्टी जब भी हर 3 दिन या 4 दिन में ये पैटर्न जरूर दिखाता है, तो इन पैटर्न्स का आपको खास ध्यान रखना है। बाकी जहां तक निफ्टी आपको लग रहा है, कल के लिए निफ्टी भी एक पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। हो सकता है निफ्टी कल आने तक एट दी एंड तक जो है निफ्टी नीचे क्लोज हो जाए, तो मैं आपको मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा सब चीज से टेलीग्राम चैनल पे। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स हमने आपके लिए चुने हैं। बाकी जो मिड कैप के स्टॉक्स और जो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे वो कुछ लेवल्स इन तरीके के थे। इनमें अगर मैं छोटा सा रिव्यू दूं आपको, तो यहाँ देखिए ये जो हमारा विप्रो था उसे हमें इस लाइन पे बाय करना था 543 पे, इसने अपना हाई बनाया है 550 का। अगला था हमारा कार्बोनिप। कार्बोनिप की बात करूँ, कार्बोनिप में हमें इसे शॉर्ट करके चलना था लगभग 587 पे, यहाँ पे यानी कि इस लाइन पे हमें शॉर्ट करके चलना था और इसने अपना लो बनाया है 79 का। इसमें भी ठीक रहा, मतलब जैसे मार्केट होल्ड ले रहा है उस हिसाब से इन स्टॉक्स में ठीक रहा। गुजरात अल्केलीज की बात करूँ, गुजरात अल्केलीज में हमारा बाई साइड कैसल हिट हो गया था, शॉर्ट सेलिंग साइड में एक टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गया था। 300 के रेंज में स्टॉक था तो इजिली आपने इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होगा। शक्ति पंप की बात करूँ, शक्ति पंप ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, इसको हमें शॉर्ट करके चलना था 780 पे और इसने अपना लो बनाया है 751 का, यानी कि 30 पॉइंट्स का रिटर्न इसने आपको आके दे दिया। बाकी बात करूँ RIL, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किया था, तो इस स्टॉक को देखिए बाइंग थी इसकी, यहाँ पे इसकी जो इसने अपना टॉप बनाया ये हमारा थर्ड टारगेट प्राइस था, उसके बाद शॉर्ट सेलिंग की साइड भी एक टारगेट प्राइस इसीलिए अचीव हो गया था। कुछ रूल्स मैं आपको अभी बताऊंगा, उस चीज को ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से आपको कैसे चलना है। बात करूँ टाटा स्टील, खास रिटर्न नहीं दे पाया, 1110 पे हम इसे बाय करके चलना था, इसने अपना हाई बनाया 1120 की, एक ही टारगेट प्राइस ने अचीव किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी भी स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। LT की बात करें, LNT, तो LNT में हमारा अच्छा खासा रिटर्न रहा, इसे हमें बाय करके चलना था 1495 पे, इसे हमें बाय करके चलना था, इसने अपना हाई बनाया है 1513 का, तो इजीली अच्छा रिटर्न इसे मान सकते हैं हम मार्केट के कंपेयर में, मार्केट जैसे चल रहा था। अब निफ्टी में जो है कॉन्फिडेंस की कमी चल रही है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी फिर से आ गई, निफ्टी जो है कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि या तो वो बुलिश रह गया या बियरिश। क्या हो रहा है, कभी कभार तो ऐसा हो रहा है बुलिश ओपन होके बियरिश आ जा रहा है मार्केट, कभी बियरिश ओपन होके बुलिश हो जा रहा है, तो कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है निफ्टी में। हालांकि स्टॉक्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो चलिए कुछ स्टॉक जो हमने आपके लिए कल के लिए सेलेक्ट किए हैं उनमें से हमारा सबसे पहला स्टॉक होने वाला है। तो कल के लिए हमने सबसे पहला स्टॉक आपके लिए चुना है वो है हमारा SBI लाइफ। SBI लाइफ क्यों चुना है, देखिए अगर मैं आपको इसको 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल रखा है, इसमें आपको मैं अगर लास्ट में मतलब कि 2 बजे के बाद की दिखाऊं तो इसने एक अपट्रेंड, अच्छा खासा अपट्रेंड आपको दिखाया, पहले भी यहाँ पे अपट्रेंड दिखाया था, फिर डाउन आया, फिर अपट्रेंड दिखाया। हो सकता है कल निफ्टी जो है इसको सपोर्ट करे और ये जो है इस लेवल के ऊपर चल जाए, क्या इसके लेवल होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन SBI लाइफ हमारा जो है कल के लिए एक अच्छा खासा स्टॉक होने वाला है। अगर ये निफ्टी इसको सपोर्ट करता तो ये अच्छा खासा मूवमेंट आपको देगा, 20-30 पॉइंट्स इजीली आपको बाय साइड में दे देगा। शॉर्ट सेलिंग का क्या लेवल होगा वो भी देख लेंगे कि जो बाइंग है उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट सेलिंग का लेवल बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो सपोर्ट है, जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे ही हमारा जो है शॉर्ट सेलिंग का लेवल बनेगा, 996 के नीचे ही, हो सकता है 995 पे बन जाए या 994 पे, डिपेंड करता है कल मार्केट क्या ओपन होने वाला है उसके हिसाब से। अगर मार्केट जो है बहुत ज्यादा डाउन ओपन होने वाला होगा तो इसका लेवल चेंज होगा, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसके लेवल के नीचे ही हम इसे शॉर्ट करके चलेंगे। बाकी कल देख लेंगे इसका लेवल क्या होता है, क्योंकि कल ऐसा होता है कि मार्केट मॉर्निंग में हमें ज्यादा अच्छे से पता चल पाता है कि मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा, या बहुत ज्यादा नेगेटिव ओपन होगा या बहुत ज्यादा पॉजिटिव, उसके हिसाब से लेवल एडजस्ट करेंगे।
अगला स्टॉक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो पॉलीमेडिक है, और रीजन आपको सामने दिख ही रहा होगा, ये काफी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा था 22 को, मैं मान लू 22 को, फिर ये 23 को हल्का सा जो है इसने अपना यू पैटर्न दिखाया, जैसा पैटर्न मैंने निफ्टी की बात की थी, हर स्टॉक्स में भी वो काफी कॉमनली देखने को मिलता है, ये यू पैटर्न दिखाया। फिर आज की मैं बात करूँ, ये पहले नीचे गिरा, वी पैटर्न मान लीजिए, जैसे वी पैटर्न में ये ऊपर गया है, तो हो सकता है कल निफ्टी अगर सपोर्ट करे, पेयर्स हैं काफी एक्टिव रहे हैं इसमें, तो हो सकता है कल ये गैप ओपन हो गए। ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसकी, जो आपको लगभग लग रही है 975 की, इस पे भी हम इसे बाय कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको लेवल दूंगा, मान लीजिए मैंने आपको 100 पे बाइंग बोली है, तो आप उसे एग्जैक्ट 100 पे बाय नहीं करेंगे, आप उसे बाय करेंगे 101 पे, यानी कि एग्जैक्ट 100 पे उसकी बाइंग नहीं होगी, वो लेवल होगा उसका बाइंग का, इस लेवल को ब्रेकआउट करते ही आपको उसे बाय करना है, यानी कि 101 पे आप उसे बाय कर लेंगे। ये सभी स्टॉक्स के लिए, वही शॉर्ट सेलिंग की साइड 100 बोला है, तो आप कितने पे उसको शॉर्ट सेल करके चलेंगे, 99 पे, एग्जैक्ट 100 पे उसे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस जितने पे दिया है उतने पे भी स्टॉप लॉस का भी है, जैसे स्टॉप लॉस मैंने 100 दिया है आपको, तो आप अपना बाई साइड के साइड तो स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं, तो नीचे लगाएंगे 99 पे, यानी कि अगर मैंने 105 आपको बाय करने के लिए बोला और 100 रुपये का आपको स्टॉप लॉस दिया, तो 99 का आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और वहीं मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग के साइड पे 100 रुपीज का आपको जो है स्टॉप लॉस बोला है, तो आप उसे क्या करेंगे, 101 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस लेवल तक जो है स्टॉक को होल्ड लेने देंगे, इससे नीचे आते ही अपना स्टॉप लॉस मार्केट से बाहर आएंगे। बाकी शॉर्ट सेलिंग का लेवल बताऊं मैं आपको, देखिए मैंने आपको बाय साइड का लेवल बताया, इसका मोस्ट प्रोबेबली 975 के ऊपर होगा, या फिर 975 पे भी मैं इसका बाइंग का लेवल कर सकता हूं क्रिएट, डिपेंड करता है कल मार्केट क्या ओपन होगा। और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करें, लास्ट टाइम पे इसके दो अगर हम देखें, इसमें जो है सेलर्स भी काफी एक्टिव रहे, तो हो सकता है हमें शॉर्ट सेलिंग की तरफ भी जाना पड़े, तो इसका जो सपोर्ट लाइन है वो बन रही है एग्जैक्ट इसकी जो क्लोजिंग पोस्ट पे ये दिखा रहा होगा आपको 950 की, तो यही इसका सपोर्ट बन रहा है, 950 पे हम इसे शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल में सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रूल्स को फॉलो कीजिएगा, गैप ओपन होने के बाद मैं लेवल चेंज कर दूंगा, अगर स्टॉक जो है गैप ओपन हुआ है तो मैं लेवल चेंज कर दूंगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। मिड कैप के स्टॉक्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन भी हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको।